गुप्त सूचना मिला कि डेनमरवा पुल पर कुछ लोग दारू के कारोबार कर रहे हैं, उसी में हम लोग गए तो तीन आदमी को पकड़े, एक बाइक और तीन आदमी पकड़ा गया। दुल्हन सज धज कर इंतजार करती रह गई और दुल्हा आ नहीं पाया। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में शराबबंदी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी है, लेकिन आए दिन बिहार में शराब को लेकर जिस तरीके की खबर आती रहती है, इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो बस नाम की शराबबंदी है। जी हाँ, वही हम आपको खबर बता दें कि बिहार के एक ज़िले से खबर आ रही है जहाँ पर दुल्हन जो है वो सज धज कर अपने दूल्हे का इंतज़ार करती रह गई और दूल्हा शराब के मामले में गिरफ्तार होकर चला गया। कहाँ की है खबर और क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। खबर पश्चिमी चंपारण के बगहा पुपली जिला के रामनगर थाना क्षेत्र से है, जहाँ दुल्हन करती रही सज धज कर इंतजार दूल्हे का और दूल्हा फंसा पुलिस के शिकंजे में। जी हाँ, शराब बना शादी में बाधक, दूल्हे के बगैर नहीं गया बारात, रामनगर थाना क्षेत्र के डेनमरवा की घटना है। शराब के साथ पुलिस ने किया है दरअसल उन लोगों को गिरफ्तार। रामनगर पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान शराब के साथ चार लोगों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शराबियों के पास 3 लीटर 500 ml देशी शराब थी, जहां पर एक टीवी या S-Star CT बाइक से बरामद की गई है। रामनगर थाना में SI विजेंद्र चौधरी और LTF पदाधिकारी वीरेंद्र राम और ASI मोहम्मद इरशाद राम शरण प्रसाद ने गिरफ्तार कर थाना लाया और मेडिकल जांच के उपरांत उन्हें जेल भेजा है। शराबियों की पहचान हिफाजुद्दीन मियां और पिता जलालुद्दीन मियां, मुफ्ताब मियां के पिता मोदी मियां और साजिद मियां के पिता नरेश मियां ग्राम डिनरमा के रूप में की गई है। बताया गया है कि साजिद की आज शादी थी, लेकिन जेल जाने के कारण नहीं गई बारात। लड़की पक्ष और बाराती करते रह गए इंतजार दूल्हे का और पुलिस भेजा उन्हें जेल। क्या कुछ बोल रहे हैं वीरेंद्र राम LTF पदाधिकारी, हम आपको उनकी बातों को सुनवाते। गुप्त सूचना मिला कि डेनमरवा पुल पर कुछ लोग दारू के कारोबार कर रहे हैं, उसी में हम लोग गए तो तीन आदमी को पकड़े, एक बाइक और तीन आदमी पकड़ा गया। किसी की शादी ब्याह थी? गांव के द्वारा पता चला कि ये साजिद नाम का लड़का है, उसका शादी था आज का दिन। तो दरअसल जो दुल्हन है वो इंतजार कर रही थी बारात का, वो सधज कर बैठी थी, लेकिन दूल्हा जो है वो पहुंच नहीं पाया क्योंकि उसके पिता जो हैं और पूरी बाराती जो है वो शराब मामले में पकड़ी गई, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई और मेडिकल जांच के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जहां एक तरफ बिहार में शराबबंदी है तो वहीं बिहार में आए दिन शराब को लेकर भी खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार में शादी में, जहाँ पर लड़के और लड़की के परिवार वाले को शराब के मामले में गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसके बाद जो लड़की के घर है वो दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचता है। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।